मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक सभा भी की। सरकार ने नहीं दिया रहा है कि कुछ भी पास दे रखे थे 150 आदमियों ने, जनसभा तो हुआ हो अगर खुल्ला में हो। कुछ लोगों के पंचायत घर गए हैं जहाँ मौजूद लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर किसी से नहीं मिले ना गाड़ी रोकी। हमारे गांव का सरपंच है कालू, वो हाथ पकड़ी बाहर निकाल दिया, दो बार बड़ा सरपंच है लेकिन उसकी नहीं सुनी। क्या आपके एमएलए आपके सांसद ने आपके यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने काम किया नहीं है? हल्के का विधायक 8 साल से इस पंचायत में नहीं आया, धनाना थर्ड में काम गिनवाते घूम रहे हैं। अगर हमने ये काम किए संवाद में प्री प्लान लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है, 100 टोकन वो आपको पता होता है किसको देने होते हैं, तो सीएम का विरोध नहीं करते उन्हीं लोगों को टोकन मिलते हैं। दिसंबर मारा बोटे को मांगना आया ना, धर्मवीर मंत्री लिया चल मेरा दोस्त है, धर्मवीर मंत्री के पास चल लागे बोटे मांगने को गया, बहिष्कार होया है। सूबे के मुखिया ने शुरुआत की भिवानी से और भिवानी में ही 7,000 शिकायतों का लंबा चौड़ा पिटारा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। के फंड हरी हो सोता के है हमारा समझ में नहीं आ रही। हमने टाल की इस तरह कर लो बल्ट पेपर था, जमानत जब्त कर देंगे, हमारा मुंह कौन दिखावा है जमानत जब्त। मंडी की मांग करी थी, बोला जी 12 के 12 किला में पक्की करवा दो, अनाज खराब हो गए है, बोला 6 की करवा लो भाई, बोला 4 किला ही कर देंगे, बोला जी 12 ही 12 ही कर दो, बोला अनाज खराब हुआ है। फिर दो देने लग गया, बोला भाई एक गुरुद्वारा में बोला प्रसाद बांटन लाग रहा था और बोला उसकी हमने ले लिया, और दूसरा फिर उसका बोला लोभ आ गया अगर दूसरा ले लेने तो गलना हाथ कर लिया, बोला गलडन कुत्ती खाएगी, बोला यो तो ले लो, और उसने कुछ नहीं कर रहा। सीएम साहब नदी के पास रुके थे, बोला भाई गरदौरी तारी सारी हो जाएगी जल्दी से जल्दी हो जाएगी, अब तक तो कोई पटवारी झोला था कि नहीं आया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं धनाना में। और धनाना में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब यहां पहुंचे थे और यहां पे एक बहुत बड़ी एक सभा भी की, जनसंवाद यात्रा, यानी कि गबड़े बड़े गाँव को चुन रहे हैं और जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं और बड़े बड़े गांव में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। 2024 में चुनाव आ चुका है और मुख्यमंत्री साहब कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनज़र गांव के बीच जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और संवाद करके कहने के 2024 निशाना है। तो सबसे पहले आपसे जान लेते हैं साहब, क्या नाम है? बंटू। तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ पहुँचे आपके गांव में, तो 2024 आ चुका है, तो मुखिया साहब यहाँ आए तो क्या लगता है, क्या कहेंगे, क्या विचार है सरकार के बारे में? सरकार ने नहीं दिया रहा है कि कुछ भी, कुछ दिया नहीं ना, जुगर लाले ओलावृष्टि हो रही है इसकी को घोषणा करी और हालात तो मंदे लग रहे हैं यहाँ तो। तो यहाँ मुख्यमंत्री साहब आए, काफी भीड़ इकट्ठी हुई आपके गाँव में, तो आप तो ने पास दे रखे थे 150 आदमिया ने, जनसभा तो हुआ हो अगर खुल्ला में हो सामूहिक जगह हो, और उसमें है ना जोकर गांव की 2-4 मांग थी जो करने के लायक थी, मंडी की थी, पानी पुनी की व्यवस्था की थी, भाई ये मांग थी गांव की 2-4। एक पावर हाउस मंजूर होया था, वो उसकी तक कोई नीम नहीं टिकी है, कोई ईंट खोरा कुछ नहीं सिस्टम चल रहा है। तो 5 साल में आशा थी कि अगर सीएम साहब आए हैं 2-4 घोषणा अब अच्छी करेंगे, वो कोई घोषणा नहीं है। तो आपसे आप वहाँ मिल नहीं पाए सीएम साहब से? नहीं, तो नजदीक जाने नहीं दिए? नजदीक जाने नहीं दिए, इतनी फॉरेस्ट हुआ ले रहे थे, नजदीक जाने नहीं दिए, इतनी फॉरेस्ट थी क्यों जी? आपसे जानता हूँ, पहले आप बता दीजिए क्या फॉरेस्ट नहीं, आप यहाँ यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं। तो क्या लगता है, 4 साल बीत चुके चुनाव का मद्देनजर, अब यहाँ बड़े बड़े गांव में मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अब 1 साल बचा चुनाव में, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपका क्या क्या नजरिया है? हमारा कोई नजरिया नहीं, सरकार ने कोई काम नहीं कराया गाँव में, कोई सामाजिक जगह में कोई अच्छी विचार नहीं रखे सरकार ने। ओके, तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, यहाँ पे धनाना गांव में हम मौजूद, लगातार लोगों की प्रतिक्रिया जानना जरूरी, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे और बड़े बड़े गांव उन्होंने चिन्हित किए हैं भिवानी जिले के, तोसाम के यानी कि भिवानी जिले में, और 7,000 शिकायतें दी हैं खाली भिवानी जिले में।
तो क्या कहेंगे शिकायतों को लेके? मुख्यमंत्री साहब को 7,000 शिकायतें दी गई है। देखो कुछ चुनिंदा लोगों के ही घर गए हैं, वो किसी से मिले ही नहीं। क्या फिक्स था? देखो इस बात के बारे में कुछ नहीं कह सकते फिक्स था या नहीं था। कुछ लोगों के 5-4 घर गए हैं, जहाँ मौजूद लोग इकट्ठे थे वहाँ पर किसी से नहीं मिले, ना गाड़ी रोकी कुछ नहीं, सीधे चलते रहे हैं और सीधे बुआनी खेड़े निकल गए, कहीं नहीं रुके कहीं बीच में। प्रशासन बहुत ज्यादा था जी जी। प्रशासन ने मिलने नहीं दे रहा साहब ने। अग बोला भाई मंडी की मांग करी थी, बोला जी 12 के 12 किल्ला में पक्की करवा दो, अनाज खराब हो गए है, बोला 6 की करवा लो भाई, बोला 4 किल्ला ही कर देंगे, बोला जी 12 ही 12 ही कर दो, बोला अनाज खराब हुआ है। फिर दोहा देन लग गया, बोला भाई एक गुरुद्वारा में बोला प्रसाद बांटन लाग रहा था और बोला उसकी हने ले लिया वो दूसरा, फिर उसका बोला लोभ आ गया अगर दूसरा ले लेने वो गलना हाथ कर लिया, बोला गलडन कुत्ती खाएगी, बोला यो तो ले लो और उसने कुछ नहीं कर रहा या। कुछ नहीं। हाँ लोगों की आशा आशा थी कि वे सीएम साहब आए हैं और गांव का कुछ न कुछ विकास करेंगे, जो मांग थी वो मांग है, कोई आड़त कोई मंजूर नहीं करी जी। कितना बड़ा गांव आड़ कम से कम लगभग 11-12 हजार वोट है। 12,000 यहाँ वोट हैं और पंचायत कितनी? 3 पंचायत। तो यहाँ तस्वीर देख लीजिए, धनाना गाँव में मुख्यमंत्री ने शुरुआत की यहाँ से और साहब 7,000 शिकायत मुख्यमंत्री को सौंपी है लोगों ने, तो शिकायतों के लिए क्या कहना है आपका? शिकायत तो क्या आपके एमएलए आपके सांसद ने आपके यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने काम किया ही नहीं है? बिल्कुल नहीं किया है, नहीं किया है। ईब थोड़ा है वो पोचा बस वो पुराने बूस्टर बास्टरा हमारे है कली का, वो भी पूरा नहीं हो रहा। काबली की कर अस्पताल में खड़ी है और डिग्गी में भी नुए खड़ी है, ईब जैसी भी गलत थोड़ा सुधार है ऊपर तो पहली बार आया है। हल्के का विधायक 8 साल से इस पंचायत में नहीं आया, धनाना थर्ड में एक दिन भी। विधायक है कौन? विश्वम्भर वाल्मीकि। विश्वम्भर वाल्मीकि यहाँ के विधायक इस पंचायत में नहीं आया एक दिन भी, किसी शादी विवाह में कोई मौत पे कोई गोड्डा मोड़न का दे भी नहीं आया है, 8 साल से इस पंचायत में नहीं बढ़िया। गलती आपके, आप वोट दे देते हो बार बार उनको? वोट हम कहाँ देते हैं, वोट तो दूसरी पंचायतों से आते हैं, इस पंचायत में तो कभी आता ही नहीं, आज तक नहीं आया इस पंचायत में एक बार भी। तो अब बता दीजिए, चुनाव आ चुके लोग सुबह के और सुबह के मुखिया घूम रहे हैं संवाद करते लोगों से, लोगों को जोड़ने के लिए कि हमने काम गिनवाते घूम रहे हैं, अगर हमने ये काम किए हैं तो क्या? संवाद में प्री प्लान लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है, 100 टोकन वो आपको पता होता है किसको देने होते हैं, जो सीएम का विरोध नहीं करते उन्हीं लोगों को टोकन मिलते हैं, ये लगे कि ये आदमी विरोध करेगा उसको पहले से ही बाहर निकाल दिया जाता है। पहले से ही? क्यों साहब, सच्ची बात है पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है? हाँ। आप मिल पाए उनसे? मिलने को नन्हे कार्यकर्ता। अच्छा, कार्यकर्ता ने बताया यार करोड़ा करा यार झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा क्या? क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कोई गांव में ऐसी स्थिति नहीं थी कि सीएम साहब का विरोध करना है, नहीं करना था, कोई नहीं सोच रहा था यह बात। ये तो सीएम साहब आपका मन में सोच रहे थे कि भाई कदे काले झंडे दिखा दें या और की मैं कर दें, और कोई ऐसी बात नहीं थी। लोगों की आशा थी कि भाई सीएम आओगे। मानस तो थे ना उसमें, कपिल सरपंच का है वो चंडीगढ़ बुला लेता, जलसा करने का फर्ज होता होगा, 15 आदमी बुला लिए बैठक में बैठ के, सुन की ई टेंडरिंग कपिल ने कह दिया ना जी मैं खुश हूँ, बस क्या है जो हरियाणा सरपंच पागल लगे बैठे और चंडीगढ़ दाठे खा में है। वोट हमारे रोड होना जी भी मैं विशंबर मारा बोटे को मांगना आया ना, धर्मवीर मंत्री लिया चल मेरा दोस्त है, धर्मवीर मंत्री पास चल लागे बोटे मांगने को गया, बहिष्कार होया है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, थोड़ा आप इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए सारे युवा युवा बच्चे खड़े हैं, आप भी आ जाइए एक बार, आपसे थोड़ी थोड़ी जानूंगा जरूर। 7,000 शिकायतें भिवानी जिले में, सूबे के मुखिया ने शुरुआत की भिवानी से और भिवानी में ही 7,000 शिकायतों का लंबा चौड़ा पिटारा मुख्यमंत्री को सौंप दिया, तो इसका मतलब क्या समझे? यह तो शुरुआत है और सिर्फ 4-5 गांव के ही अंदर गए हैं, तो आप थोड़ा सा इधर आके मुझे ये बताइए, 7,000 शिकायतें काफी लंबी चौड़ी खाली भिवानी जिले की और 4-5 गांव की, तो क्या समझे? संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब बड़े बड़े गांव में जाके? हाँ ठीक कह रहे हैं। तो शिकायतें 7,000 इतनी लंबा चौड़ा कैसे, क्यों? क्यों काम हुए नहीं, किसी ने सुनी नहीं? काम तो कुछ हुए हैं, बाकी न्यू है जैसा चाहिए था वैसा नहीं हो रहा।
तो ये शिकायत आई कहाँ से? क्या कोई अधिकारी या कोई नेता, कोई एमएलए, कोई सांसद को सुन नहीं रहा आपकी? पूछ नहीं रहे न, सांसद मंत्री है, एमएलए है, उनकी भी कम चल रही है न। तो चलती किसकी है? सरकार की चल रहा है। तो फिर ये शिकायतें एक भिवानी जिले की इकट्ठी होगी 7,000, तो ये लोग सभी दुखी थे, 7,000 शिकायतें लेके पूछ के, साहब हमारी सुनिए, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। किस तक एमएलए तो आंदा नहीं, और एमपी साहब है वो अपने कुछ जैसा भी हो रहा है उसा कर रहे हैं अपने। जी तो अब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के। हमारे गांव में 2 तालाब का 1 साल से खुदाई का काम बाकी पड़ा है। गांव के सभी पशु उनके अंदर धसते हैं, ठेकेदार भाग चुका है, कोई काम नहीं हो रहा हमारे गांव में। आज तक हमारे मैंने न कभी वोट मांगने भी नहीं आया हमारे गाँव में। अच्छा, वोट मांगने नहीं आया? तो मैं मुख्यमंत्री साहब से इतना जरूर कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छी बात, आपने जनसंवाद यात्रा की है, लेकिन एक जिले में 7,000 शिकायत लेकर लोग आपके पास पहुंच गए, तो साहब इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो आप? क्या यहाँ अधिकारी सुनते नहीं हैं लोगों की, या फिर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद या अधिकारियों पर उनकी पकड़ नहीं है, या वो काम करना चाहते नहीं हैं? अगर चाहते तो आपके पास 7,000 शिकायतों का पिटारा क्यों पहुंचता? कई जगह तो ये भी सुनने को मिला, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्री प्लान जगह ही पास लेके लोग अंदर घुसाए, वहीं वहीं मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं, आम व्यक्ति को तो कहीं घुसने नहीं दिया गया, कहीं मिलने नहीं दिया गया, ना कोई आवाज़ उठा नहीं दिया गया। शिकायत कागज भी अधिकारियां लिए हैं, सीएम ने लिए को नहीं बढ़ने दिया जी। हमारे गांव का सरपंच है कालू, उसको भी पंचायत वहाँ गया, हरिजन है जी, वो हाथ पकड़ी बाहर निकाल दिया, 2 बार बेटा भाई सरपंच है सरपंच है, लेकिन उसकी नहीं सुनी, वो बाहर निकाल दिया गया, वो बढ़ने नहीं दिया, कोई मांग नहीं सुनी उसकी, कोई मांग नहीं। अब चुनाव आज का मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, पहले निकाली थी वो यात्रा, निकाली थी पूरे हरियाणा में रैली, अब बड़े बड़े गांव ले रहे हैं, हर भिवानी से शुरुआत की है, तो अब चुनाव आ चुके हैं, तो क्या लगता है क्या कहेंगे चुनाव? वोट बांटने कौन दिया? बीजेपी को कोई वोट नहीं हमारी तरफ से, काम करेगा, वोट करवा दे, बीच में रहेगा उसी को वोट मिलेंगे। बल्ट पेपर था, जमानत जब्त कर देंगे, हमारा मुंह कौन दिखावा, जमानत जब्त बीजेपी की, रोल करे हैं भी फुल संसद में दिखा दी कि मैं कह दिया, सुप्रीम कोर्ट मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका का पानी चेता रखा लिया ने, केजरीवाल से भी ठोक दिया, राहुल की सदस्यता कर दी। सफेसर यहाँ पे आइए, सफेसर गिरदावली होनी थी आपके खेतों की, हो चुकी? हमारे गांव में कोई गिरदावली नहीं हुई है, आज तक कोई अधिकारी भी नहीं आया है, पटवारी तो पटवारी पटवारी खेतों में जाते नहीं कभी भी। हाँ, नहीं तो 15,000 का वादा किया है सरकार ने, पैल उठा के खड़े हुए थे खेतों में जाके उखाड़ के, और यहाँ कोई पटवारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। सीएम साहब नदी के पास रुके थे, बोला भाई गिरदावली तारी सारी हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, अब तक तो कोई पटवारी झोला ठा के नहीं आया है, गिरदावली फिर कब होगी? ना होगा, दलाली दलाली अगली फसल अब बोने वाले हो? हाँ बोएंगे। हाँ, तो फिर गिरदावली नहीं होगी जब उनको खेत को खाली नहीं करोगे? कपास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ क्या सही बोली है, क्या क्या करे, मजबूरी है, आगे तो बच्चों कपास तो कि मैं पेट गुजारा करने के लिए बोनी पड़ेगी, ये पिछली में तो है ही नहीं कुछ, सरसों को जाडा ना मार दी, सरसों तो किसान तोड़ दी, सरसों का क्या मुआयना करेंगे, यहाँ आगे कपास बोनी है, उसमें क्या देखेंगे, क्या गिरदावरी करेंगे, कणक नाज है, कब तक पड़ी ना है, क्योंकि अब तक गिरदावरी हुई नहीं है। चलो मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा इस यात्रा में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा इस यात्रा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, इस यात्रा तो गांव चिड़िया और है, किसी से कोई सलाह मशुरा, किसी की कोई मांग कहे थे वो बाहर काट दिए गए, लेकिन कि वो तो ये अनिता घनगस है, इसका जाके कोई भीतर बड़े थे स्वागत खाते, किसी का गलत कोई बातचीत कोई नहीं हुई, कोई सुनवाई कोई नहीं हुई, दरखास्त लिया हम सीएम ने पकड़ी भी कोई नहीं, इतना टाइम में कौन था, इतनी शिकायत आएगी, इतनी शिकायत आएगी मतलब नोड़ी को नहीं उड़ा, शिकायतें इतनी आ गई, अधिकारियां ली हैं उन्हीं के लोग थे, शिकायत देने वाले कोई भी सामाजिक लोग तरफ से कोई शिकायत नहीं थी किसी ने भी, वही बतला के कर रहे थे, किसी को अंदर जाने नहीं दिया, कोई भी मिल नहीं सोचा, सरपंचों के बारे में हुई तो सरपंचों बोले तो अपने कमीशन के लिए बोल रहे हैं सरपंच, तो वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं, तो सरपंचों को बाहर निकाल दिया गया। क्या मुद्दा है, हमारी फसल तो बेची पड़ी है, 200-200 मण के जोड़े 20 मण हो रही हैं, क्या ये टेंडरिंग क्या करेगा, बोला सरपंच का वो घोषणा लग रहे, पहले कौन थे सरपंच, पहले
पहले सरकारें कौन आई, 70 साल हो गए कांग्रेस ने, उड्डन अभी 10 साल कर गया, उसने कौन छेड़ा छेड़ा इटर का के फंड है रही होता के है हमारा समझ बन जा रही क्या के विकास से काम है। उन्होंने तो कहा कि सरपंच पैसे खा लेते हैं। एक तालाब में रोज मांस काटा रस्से बांध की, इस तालाब में रोज रस्से बांध की काटा, 2 साल हो गए। क्यों खुदाई नहीं हो रही, बारिश आ जाए बूंद आ जाए हैं, काफी नुकसान भैंस और रोज फंसे हैं, रोज भैंस फंसे हैं, रस्से बांध के खींच के ले आवा। लाखों रुपए की पूंजी पानी में डबो चुके हैं धनाना गांव के लोग, क्योंकि ये तालाब में रोज एक भैंस कहीं ना कहीं नीचे फंस जाती है और कई दलदल में फंस के मर भी चुके हैं पशु, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेल चुके हैं ये लोग। अच्छा ये बताइए सरपंच साहब, वो कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग में सरपंच साहब 50 लाख रुपए लगा के चुनाव लड़ते हैं और वे फिर वो कमाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने ई टेंडरिंग लागू की है, साफ सुथरा काम रहेगा, तो क्या क्या लगता है? सरपंच साहब गारंटी कौन मिले, गारंटी 2 लाख नहीं का बताओ तो वो काम कैसे करवाऊंगे। अब यो भी कह रहे हैं कि वो ग्रांट लग गया उसमें 2 लाख में गाड़ पूरी को नहीं तो फिर दूसरा 2 लाख का ग्रांट होगा वो दूसरी गाड़ में लगेगा, ये ऐसे काम क्यों करता लगा जी फिर जी। हाँ आप भी कहीं कुछ आ जाइए। 15 रुपये ईंट और ये कितने की ईंट ला देगा 2 लाख में, कै फुट की गाड़ बना देगा 2 लाख में, 15 फुट की कौन बनाए 15 फुट की जी साहब। जो ये बिजली मंत्री है ना रंजीत चौटाला, यहाँ गांव में पावर हाउस मंजूर करके गया था, अभी तक तो उसकी ना तो कोई ईंट ना कोई मटेरियल पड़ा है ना कोई पेमाइश, वो सूखी घोषणा है, गांव में काम तो शुरू होया ही नहीं है, इसलिए गांव है ना तंग है। तो हम धनाना में मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे, सूबे के मुखिया यहाँ से शुरुआत की थी, तो हम भी यहाँ जांचने परखने और जानने पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री जा चुके हैं यहाँ से, प्रोग्राम भी हो चुका है मुख्यमंत्री का, लेकिन प्रतिक्रिया जानना लोगों की जरूरत था, कितने खुश है कितने नाराज यहाँ के लोग। अब यहाँ तस्वीर देख लीजिए, इनमें से शायद इनमें से एक भी शख्स इस गाँव का मुझे खुश नजर नहीं आया, लोगों ने कुछ बातें जरूर बताई हैं, यानी कि पास दिए गए थे अपने अपने लोगों को, उन्हीं को अंदर जाने देते थे, 40,000 पुलिस लेके साथ घूम रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ये लोग कहते हैं प्रशासन नजदीक जाने नहीं दिया देता भी नहीं कुछ नहीं दिया का। हाँ। 20 मीटर पर पुलिस वाले खड़े थे हर चौराहे पर, दो चार हर जगह पर, किसी को नहीं घुसने देते थे। पहले जिसको टोकन दिया गया था उन्हीं को टोकन को देख के अंदर जाने देते, और किसी आम आदमी को तो वहाँ जनसभा में जाने नहीं देते थे। राजा जी आए हैं, देव मुखिया आए हैं, तो मुखिया के लिए टोकन लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो कोई पब्लिक की कोई भी मिल सकते हैं राजा से तो उन्होंने तो पब्लिक की सुनाई है कोई नहीं करी जी को बढ़ने को दिया, उनके आदमी टोकन दिया, उनसे संपर्क कराया, टोकन पूछे भाई जाना है टोकन दिखाओ अगर अंदर जाना है तो, नहीं किसी को अंदर जाने नहीं दिया। कैसे मांग का मान्य बाबा ब्रह्मचारी आश्रम है, महाराज जी गेट पे खड़े रहे रोड पे, सीएम साहब अपने हाथी लाते हुए चले गए, उसको पर्ची दिखाएंगा कागज ये ले जी मेरी शिकायत ले जी शिकायत, हाथी लाके जाना रहा महाराज जी की भी शिकायत नहीं सुनी अपने ब्रह्मचारी बाबा की, किसी की भी नहीं सुनी, सच्चाई है ये पूरी गांव का धनाना गांव का बाबा ब्रह्मचारी आश्रम है, उसकी बाबा की कोई शिकायत नहीं सुनी, पर्ची ले खड़ा रहा जी साथ में देख लो। ये तस्वीर सूरत दिखा रहे हैं हम आपको, मुख्यमंत्री साहब आप पहुंचे, बहुत अच्छी बात है आप पहुंचे, क्योंकि चुनाव का समय है, उधर जेजेपी पार्टी अपना तरीके से अपना, उधर अभय चौटाला अपने तरीके से कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी अपने तरीके से, सीएम साहब चले हैं हर प्रदेश के गांव में, बड़े बड़े गांव को चिन्हित करके वहां पे जाके जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन ये संवाद लोग बता रहे हैं कि अपने अपने लोगों को कार्ड देके अंदर दानी दिया जाता है, और सीमित लोगों को ही वहाँ पहले कहते हैं बोल लीजिए, उसके बाद बोलने दिया जाता है, तो ये कहाँ का संवाद है और कहाँ की यात्रा है मुख्यमंत्री साहब। ई टेंडरिंग की बात करें तो साहब सरपंच अगर पैसे खा जाते हैं 50 लाख रुपये चुनाव लड़ते हैं, तो साहब विधायक भी तो करोड़ों रुपये खर्च करके वहाँ से चुनाव लड़के जीत के आते हैं, तो क्या उनके बारे में आपने कभी नहीं बोला, तो वो भी चुनाव में पैसे काफी खर्च करते हैं सरपंच, आपको याद आ चुके हैं। खबर यह है प्रशासन कोई भी आदमी जो ठीक ठाक आदमी है चौकी में ही बिक जाए तो वह नु कह दे जा गजाना जड़ा जा जा, ये व्यवहार कर रहा है इसका प्रशासन। यहाँ बता के गए हैं कि ओनली धनाना गांव में 99 बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है जो बिना पर्ची और खर्ची के है,
उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश हो रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। दो क्राइटेरिया बनाए गए थे, फादरलेस बच्चों का जो 5 नंबर है उसके, और एक ऑर्फेन के लिए। ऑर्फेन और फादरलेस बच्चे में डिफरेंट होता है। ऑर्फेन तो होता है अनाथ बच्चा, और फादरलेस होता है जिसका केवल पिता गुजरा हो। अनाथ होता है जिसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। उनमें से 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो डी ग्रुप में 5 नंबर का बेनिफिट लिए हुए हैं, और हरियाणा पुलिस में उनको 5 नंबर नहीं दिए गए, बल्कि सी और डी का क्राइटेरिया एक सेम क्राइटेरिया होता है। या तो उनको हरियाणा पुलिस में भी 5 नंबर दो, या उनको डी ग्रुप में भी दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं, 7 बच्चों की लिस्ट है, वो हाईकोर्ट में फाइल कर रखी है, 5 नंबर डी ग्रुप में उनको दे रखे हैं, और हरियाणा पुलिस में उनको 5 नंबर नहीं दिए गए। जब वहाँ पे हाईकोर्ट ने संज्ञान में मामला लिया, सेक्रेटरी और चेयरमैन को वहाँ पे तलब किया, सेक्रेटरी साहब वहाँ पहुँच गए, चेयरमैन वहाँ साहब पहुँचे नहीं कि अब कोई भी कॉन्फिडेंशियल कोई उनकी मीटिंग है, वो आ नहीं पाए। हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है, और नेक्स्ट डेट पे उनसे रिकॉर्ड मंगवाया गया। वहाँ पे एफिडेविट सरकार ने फाइल कर दिया कि हमारा रिकॉर्ड गुम हो चुका है। वो उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को यहाँ जो चेयरमैन हरियाणा के, उन्होंने सिरे से नकारते हुए बोला कि हमारा तो कोई रिकॉर्ड गुम नहीं है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट ने 3 एडवोकेट की एक कमेटी बनाई, इंस्पेक्शन कमेटी, कि जो पूरा जो रिकॉर्ड है दोनों भर्तियों का, आप उसको आओ और 3 दिन का समय दिया, उसको इंस्पेक्ट करो। उनमें से 500 से ज़्यादा बच्चों को ऐसे नंबर दिए गए हैं जिन्होंने क्लेम ही नहीं कर रखा, जो 5 नंबर मांग ही नहीं रहे हैं, और उनको क्लेम कराया नहीं, उन्होंने 5 नंबर दिए गए हैं, और पर्ची और खर्ची की जगह आजकल अटैची ने ले ली है, अटैची ने ले ली है। चलो, तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।